इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह सुबह टाइम सबके पास कम ही होता है, तो जब भी नाश्ते की बात आती है तो हम ऐसा नाश्ता खोजते हैं जो कम समय में फटाफट से तैयार हो जाए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और बहुत ही कम टाइम में लगभग 5 से 7 मिनट में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना, मेरी यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू मैश कर लिए थे पहले से ही बॉयल करके, और कुछ हरी मिर्च डाली हुई हैं, प्याज डाला हुआ है, नमक स्वादानुसार, घी डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चूँकि मैंने हरी मिर्च डाली हुई थी तो लाल मिर्च थोड़ी ही रखेंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है लगभग 2 कप के करीब। थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच घी डालकर थोड़ा सा गीला सा डो लगाएंगे। आपको एकदम टाइट नहीं लगाना है, जैसे आप रोटियों का लगाते हो उसे थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि आप आटा की लोई लेंगे, आप थोड़ी सी ज़्यादा ही लोई लीजिए। आप जितनी ज़्यादा लोई लेंगे उतना ही आप जल्दी बना पाएंगे। तो एक बार में अगर आप ज़्यादा लोई लेंगे तो ज़्यादा कचौड़ी बनेंगी। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप बेल लीजिएगा, आप ना थोड़ी सी मोटी ही बेलिएगा, रोटी की तरह नहीं बेलेंगे। अगर आप पतली बेलेंगे ना तो आपकी कचौड़ी जो है वो फट जाएंगी, तो आप थोड़ी सी मोटी रखेंगे। और इस तरह से आप दो बना लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जितनी ज़्यादा आप आटा की लोई लेंगे, जितना आप बड़ा ये पूड़ी बनाएंगे उतनी ज़्यादा एक बार में कचौड़ी बना पाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी बार बार देखने आ रही थी कि अभी तक नाश्ता नहीं तैयार हुआ। तो चलिए इस तरह से एक पूड़ी के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आलू की ये टिक्की रख देंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी कचौड़ी कभी भी फटेंगी नहीं। तो क्या होता है कि जब भी हम आलू की स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं तो कचौड़ियाँ फट जाती हैं, जिससे उनमें ऑयल भर जाता है और वो थोड़ी सेहत के लिए हेल्दी भी नहीं रहती हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और उनमें ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं होगा और हेल्दी भी रहेंगी। तो इस तरह से ना आप दोनों ही पूड़ियाँ जो हैं वो बराबर से ही बेलें। आप बड़ी छोटी रखेंगे तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं होगा। आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए, कटोरी या ग्लास, जो कि थोड़ा सा किनार में शार्प हो। तो इस तरह से सारी ही हम कट कर लेंगे और आप जितना चाहो उतना स्टफिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं फटने वाली हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी स्टफिंग इनमें भरी हुई है और अब ये सारा एक्सेस आटा हटा लेंगे और ये देखिए अच्छे से सारी स्टफिंग हो चुकी है। और अब इनको बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर इस तरह से 1 से 2 बार आप बेलेंगे ना तो बढ़िया सी कचौड़ी बन करके तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल नहीं फटेंगी। अभी मैं आपको सेक करके दिखाऊंगी। तो ये वाला तरीका आप सब ज़रूर अपनाएं और फटाफट से तैयार भी हो जाता है एक बार में, लगभग 10 से 12 भी आप बना सकते हो। तो जिस तरह से आप लोई लेंगे उस तरह से, तो मैंने 2 बार में इतनी सारी बना ली हैं। तो चलिए अब हम सेकते हैं। तो ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था और ये एकदम बढ़िया सी फूलने तक की सेकेंगे। ये देखिए बिल्कुल फूल चुकी हैं और कहीं से भी आपको फटी हुई नज़र नहीं आ रही होंगी। और आलू की स्टफिंग जो है वो भी अच्छे से फिल हो चुकी है। तो इस तरह से सारी ही कचौड़ी सेक लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए बिल्कुल फूली सी कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मैंने रायता बनाया हुआ था तो रायते के साथ खाएंगे। तो चलिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल पूरे में आलू की स्टफिंग भरी हुई है और ये बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो आप चटनी के साथ या रायते के साथ एंजॉय कीजिए और ये रेसिपी इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबको कैसी लगी। चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी कई सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।